हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी एंड सेक्स डिटरमिनेशन इन बोनेलिया। ये दोनों टॉपिक में आपको बताऊंगी क्या होता है सेक्स डिटरमिनेशन इन हनी बी। इन हनी बी सेक्स इज डिटरमाइन बाय पार्थेनोजेनेसिस। हनी बी में सेक्स का डिटरमाइन किया जाता है, सेक्स कौन सा सेक्स मेल है या फीमेल है इसका पता लगाया जाता है पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा। पार्थेनोजेनेसिस एक मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें ऑफस्प्रिंग जो है बिना मेल गैमेट से फर्टिलाइज हुए वे एक फीमेल गैमेट्स में चेंज होता है या फीमेल ऑफस्प्रिंग में मैच्योर होकर डेवलप हो जाती है। द मेल्स आर हैप्लॉइड एंड द फीमेल्स आर डिप्लॉइड। इसमें मेल जो होंगे वो हैप्लॉइड होते हैं और फीमेल्स जो होंगी वो डिप्लॉइड होती है। द क्वीन ले टू टाइप्स ऑफ एग, नेमली फर्टिलाइज्ड एग एंड अनफर्टिलाइज्ड एग। इसमें क्वीन जो है दो तरह का एग्स का प्रोडक्शन करती है, पहला तो फर्टिलाइज्ड एग करेगी नहीं तो अनफर्टिलाइज्ड एग करेगी। द फर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप इनटू फीमेल हेंस दे आर डिप्लॉयड। जो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो फीमेल्स में डेवलप होती हैं और जो कि डिप्लॉयड होती हैं। द अनफर्टिलाइज्ड एग्स आर डेवलप्ड फ्रॉम पार्थेनोजेनेटिकली इनटू मेल्स। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा वो मेल्स में डेवलप होते हैं, हैंस दे आर हैप्लॉइड, जो कि वो हैप्लॉइड होते हैं। एज द मेल आर हैप्लॉइड दे प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस विदाउट रिडक्शन इन क्रोमोजोम नंबर। हम लोग जानते हैं कि मेल्स जो है इसमें हैप्लॉइड होते हैं जिस वजह से स्पर्म जो होता है प्रोड्यूस होता है माइटोसिस प्रोसेस के द्वारा बिना क्रोमोजोम नंबर के घटे। इट इज़ ए हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। इसको हैप्लॉइडी डिप्लॉइडी मैकेनिज्म भी कहा जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन का। सेक्स डिटर्मिनेशन इन फ्यूमिया, इसमें आपको पढ़ना है हनीबी में ही। इन सम मैमल्स ऑफ लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट द फीमेल हैज़ वन एक्स क्रोमोजोम एंड द मेल हैज़ टू एक्स क्रोमोजोम। कुछ मेंबर जो होते हैं लेपिडोप्टेरन के, जैसे फीमिया बोल जाता है उसके कुछ मेंबर्स होते हैं, मतलब उनको कुछ इंसेक्ट के जो मेंबर्स होते हैं उसमें फीमेल जो होते हैं उसमें बस एक ही एक्स क्रोमोजोम पाया जाता है और फीमेल में जो है दो एक्स क्रोमोजोम पाए जाते हैं। द फीमेल प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ ओबा, और फीमेल जो है दो तरह का ओबा का प्रोडक्शन करती हैं, वन टाइप विथ एक्स क्रोमोजोम एंड अदर टाइप विदाउट एक्स क्रोमोजोम। एक जो होगा जिसमें एक्स क्रोमोजोम मौजूद होता है और दूसरे में जो होता है एक्स क्रोमोजोम मौजूद नहीं होता है। द मेल प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ स्पर्म, और मेल से बस एक ही तरह का स्पर्म प्रोड्यूस होता है जिसमें कि वन एक्स क्रोमोजोम वो कैरी करता है। ये फिगर आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन इन बोनेलिया, इसमें क्या होगा। इन बोनेलिया सेक्स इज डिटरमाइंड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। बोनेलिया में सेक्स का पता लगाया जाता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा। बोनेलिया इज ए मेरिन इस्टीरॉयड वॉर्म। बोनेलिया जो होता है एक समुद्री इस्टीरॉयड है, मतलब कीड़ा होता है। इट एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज होता है, मतलब इनके बॉडी में क्या होगा मेल और फीमेल सेक्स, फीमेल गैमेट या फिर फीमेल सेक्स ऑर्गन उसी में मौजूद होता है एक ही में। द फीमेल इज वेरी लार्ज, इज अबाउट 8 सेंटीमीटर विद द प्रोबोसिस ऑफ अबाउट 1 मीटर लॉन्ग। इसमें फीमेल जो होगी वो बड़ी होती है जिसका साइज 8 सेंटीमीटर तक का होता है। द मेल इज वेरी स्मॉल एंड इज अबाउट 1 to 3 millimeter, और मेल जो होता है उसमें 1 to 3 mm तक का इसका साइज होता है, छोटा होता है फीमेल से। द फीमेल लिव्स इन ए ब्यूरो एट द सी बॉटम। फीमेल जो है वो रहती है ब्यूरो, मतलब एक होता ना छेद गड्ढा खोद के रहती है ब्यूरो में, सी बॉटम पे रहती है, समुद्र का बॉटम के जगह पे। द मेल लिव्स एज ए पैरासाइट इन द यूटेरस ऑफ द एडल्ट फीमेल, और मेल जो है वो रहती है फीमेल की, फीमेल एडल्ट जो होती है उनके यूटेरस में रहती है एज ए परजीवी के रूप में, मेल वहाँ पे रहता है। द लार्वे ऑफ बोनेलिया आर एलाइक एंड दे आर पोटेंशियलिटीज टू डेवलप इंटू एनी सेक्स। जो बोनेलिया का जो लार्वी जो है वो एक तरह से बोल सकते इसमें एक क्षमता होता है कि वो कोई भी सेक्स में वो बदल सकता है। ए लार्वा डेवलप इनटू ए मेल, और लार्वा जो है ए लार्वा सेटल ऑन द प्रोबोसिस ऑफ द फीमेल डेवलप इनटू ए मेल। जो कीड़ा जो लार्वा जो है सेटल्ड रहता है प्रोबोसिस में, फीमेल का प्रोबोसिस में जो मौजूद रहता है वो डेवलप होता है मेल में। ए लार्वा सेटल इन द मड डेवलप इनटू ए फीमेल, और जो लार्वा सेटल हो जाता है मड में वो डेवलप होता है फीमेल में। इफ़ द लार्वा इज डिटैच्ड फ्रॉम द प्रोबोसिस ऑफ फीमेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ डेवलपमेंट द लार्वा डेवलप इंटू एन इंटरसेक्स।
बोला जा रहा है कि बिना मतलब अगर डेवलपमेंट पूरा होने से पहले ही अगर लार्वा को अगर फीमेल के मतलब प्रोबोसिस से अगर अलग कर दिया जाए तो वो बदल जाता है इंटरसेक्स में, वो डेवलप होता है वो लार्वा। CO2 इज द सेक्स डिटरमाइनिंग फैक्टर इन बोनेलिया। बोनेलिया में सेक्स डिटरमाइनेंट का सबसे बड़ा फैक्टर अगर बनता है तो वो CO2 बनता है। इन द प्रोबोसिस ऑफ फीमेल द अमाउंट ऑफ CO2 इज हाई बिकॉज सम अमाउंट ऑफ CO2 इज रिलीज इन रेस्पिरेशन। बोला जा रहा है प्रोबोसिस के दौरान क्या होगा फीमेल में, तो जो CO2 का जो मतलब अमाउंट है वो ज़्यादा होता है क्योंकि जो CO2 जो है रिलीज होता है रेस्पिरेशन के द्वारा। इन सी वाटर कॉम्परेटिवली द CO2 कंटेंट इज लेस, और सी वाटर में CO2 कंटेंट जो होता है वो कम होता है। सो हाइयर CO2 कंटेंट डिटरमाइन द मेलनेस एंड लोअर CO2 कंटेंट डिटरमाइंस द फीमेलनेस। जिसमें क्या होगा कि CO2 ज़्यादा है तो उससे पता चलता है कि वो मेल है, और CO2 अगर कम है तो उससे पता चलता है कि फीमेल है। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है बोनेलिया का।